हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जी पेट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और हम आज के सिलेबस में जी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि उसका सिलेबस कैसे प्रिपेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 15 चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से सबसे पहले चैप्टर होते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके के ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, सोर्स क्या है, स्कोप क्या है, और साथ ही साथ उसके जनरल डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की किस तरीके से हुआ, रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, और उसके बाद रिसेप्टर के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से रिसेप्टर को क्लासीफाई किया गया है, साथ ही साथ रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन। क्लासीफाई करने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ में इसे क्लासीफाई किया गया, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड कपल रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में इसमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, फैक्टर मॉडिफिकेशन और ड्रग एक्शन के बारे में इस चैप्टर्स में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें हम ए डी एम ई के बारे में स्टडी करते हैं। ए डी एम ई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में भी स्टडी किया जाता है, और साथ ही साथ फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में भी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है इस चैप्टर में। इसके बाद एडवर्ड ड्रग रिएक्शन ADR जिसे बोला जाता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज के बारे में स्टडी किए जाते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर इन ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ऑटोनॉमिक ड्रग न्यूरो ट्रांसमीटर और सेंट्रल न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर, ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर इन CNS में कौन कौन से न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में, नाइट्रिक एसिड किस तरीके से हुआ न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल देती है, जैसे कि इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स और उसके बायोसिंथेसिस नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से होते हैं, साथ ही साथ थेरेप्यूटिक्स यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन से होते हैं जिसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड को देते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ पेप्टाइड एंड प्रोटीन एज ए मीडिएटर यूज किए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, साथ ही साथ बायोसिंथेसिस और रेगुलेशन ऑफ पेप्टाइड्स और कुछ एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि एंटागोनिस्टिक कौन कौन से होते हैं पेप्टाइड के, साथ ही साथ प्रोटीन और पेप्टाइड की किस तरीके से हम इसे ड्रग में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर फार्माकोलॉजी ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि पैरा सिम्पैथोमिमेटिक्स, पैरा सिम्पैथोलाइटिक्स, सिम्पैथोलाइटिक्स एंड गैंग्लियोनिक स्टिमुलेट एंड ब्लॉकर के बारे में स्टडी करते हैं, और कुछ नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड ड्रग यूज्ड इन मायस्थेनिया ग्रेविस जैसे कि फाइसोस्टिलीन के बारे में हम स्टडी करते हैं। और फोर्थ चैप्टर में हम फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थर्ड चैप्टर में हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, फोर्थ चैप्टर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, एल्कोहल एंड डाइसल्फ्राम, किस तरीके से डाइसल्फ्राम एल्कोहल के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के ड्रग्स हैं, और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में स्टडी करते हैं, और साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है इस चैप्टर में। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी मिमेटिक एंड हेलुसिनेशन एजेंट, एंटी इपिलेप्टिक एजेंट, एंटी पार्किंसन ड्रग्स एंड नोट्रॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं इस चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर में आ जाते हैं जिसमें हम
फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके इंट्रोडक्शन से जैसे कि हीमोडायनेमिक्स ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंशन, एंटी एंजाइनल, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और एंटी ड्रग्स यूज इन कंजक्टिव हार्ट फेलियर के बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के बारे में और कुछ शॉक थेरेपी जिसका यूज़ किया जाता है, ड्रग्स यूज़ किया जाता है उसके बारे में यूज़ करते हैं। हीमोटेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं इस कार्डियोवेस्कुलर, क्योंकि कार्डियो और वेस्कुलर दो सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं, एक कार्डियो और दूसरा होता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में हीमोटेनिक्स मतलब ब्लड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ब्लड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं हीमोटेनिक्स के बारे में कि किस तरीके से ड्रग्स ब्लड लेवल को रेगुलेट करते हैं। और कुछ नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटी कोगुलेंट के बारे में स्टडी करते हैं, एंटी कोगुलेंट के बारे में स्टडी करते हैं, हीमोस्टेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और फाइब्रिनोलिटिक्स, एंटी प्लेटलेट्स एंड ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के बारे में देखने को मिलता है इस चैप्टर में। सिक्स चैप्टर की बात करते हैं ड्रग एक्टिंग इन यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि ड्राई यूरेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंटी ड्राई यूरेटिक कौन कौन से एजेंट यूज होता है उसके के बारे में स्टडी करते हैं। सेवंथ चैप्टर जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कौन कौन से ड्रग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि सबसे पहला एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स है, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स है, नेजल कंजेस्टन ड्रग्स है, एंटी टिश्यू ड्रग्स एंड एक्सपेक्टोरेंट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं एट्थ चैप्टर, फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला सेकंड पढ़ते हैं हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसमें पूरे हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, कैसिटोनिन एंड विटामिन डी, जैसे कि उसी को बोलते हैं कैसिटोनिन के बारे में, और इंसुलिन के बारे में स्टडी करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में, ग्लूकोजेन के बारे में स्टडी करने को मिलता है। साथ ही साथ ATCH एडिनोसिन ट्राई ट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है, एंटी कॉर्टिको स्टेरॉइड के बारे में स्टडी करने को मिलता है, साथ ही साथ एंड्रोजन के बारे में, एनाबायोटिक स्टेरॉइड के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ड्रग्स एक्टिंग और यूट्रस के बारे में स्टडी करने को मिलता है इस चैप्टर में। सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं कीमोथेरेपी में हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी और कुछ सल्फोनामाइड एक्ट को ट्राइमेजोल के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और नेक्स्ट टॉपिक में एंटीबायोटिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकोल, माइक्रोलाइड, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स, फ्लोरोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स, टेट्रासाइक्लिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड मिसेलेनियस एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है इस चैप्टर में। और कुछ टॉपिक्स हैं इसके अलावा, जैसे कि कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, फंगल डिसीज, वायरल डिसीज, एड्स, प्रोटोजोअल डिसीज, वॉर्म इफेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज एंड कीमोथेरेपी ऑफ मेलिग्नेंसी वाले ड्रग्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है। एट्थ चैप्टर जिसमें ऑटोकॉइड एंड देयर एंटागोनिस्टिक के बारे में, कुछ ऑटोकॉइड्स जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन इनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में स्टडी करने को मिलता है। साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, पेंटा गैस्ट्रिन और कोलेस
कोलेस्टो काइनिन के बारे में स्टडी करने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में देखने को मिलता है और एंटी कोड्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं 11th चैप्टर, जिसमें हमें फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करने को मिलता है, जैसे कि एंटा एसिड, एंटी सिक्रेटरी हारमोन्स, एंटी अल्सर ड्रग्स, लैक्सेटिव, एंटी डायरियल ड्रग्स, एपिटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट ड्रग्स और डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव एजेंट्स, एंटी इमेटिक एंड इमेटिक्स एजेंट के बारे में स्टडी करने को मिलते हैं। 12th चैप्टर, जिसमें क्रोनो फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से रिदम और उसके साइकिल से चलते जाते हैं चलते जाते हैं और उसके बायोलॉजिकल क्लॉक्स के बारे में, साथ ही साथ उसके सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी करने को मिलता है। 13th चैप्टर, जिसमें हम इम्यूनो फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से उसके इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या क्या चीज ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें विटामिन डिफिशेंसी एंड देयर मैनेजमेंट और रोल एंड मिनरल्स इन हेल्थ हेल्थ डिसीज के बारे में डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं। 15th चैप्टर, जिसमें हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि पॉइजन्स, जनरल प्रिंसिपल एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन्स, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन ड्यू टू हैवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड्स, ओपियोइड्स एंड अदर एडिक्टिव फॉर्मिंग एजेंट के थ्रू पॉइजन ट्रीटमेंट पॉइजन इनके कारण हो सकते हैं, जिसका ट्रीटमेंट हम इन ड्रग एजेंट का यूज़ करके किया जा सकता है। और कुछ स्टडीज करने को मिलता है, जैसे कि एक्यूट एंड सब एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिक अस पर ओ सी डी सी गाइडलाइंस के थ्रू हम कर सकते हैं।